हार्दिक पांड्या की एक गेंद रिजवान के हाथ पर लगी, हालांकि छक्का मारा इस ओवर में निकल कर रिजवान ने। और अब सूरत हाल क्या है, खुरम मंदूक से बात करते हैं। 32 रन पर एक खिलाड़ी आउट है। खुरम बॉल आप देखें, गेंद थोड़ा सा एक्स्ट्रा किक किया है। हाँ। हार्ड लेंथ बॉल था जो नॉर्मल नाफ की हार्ट पे आना चाहिए था, ये रिप केज पे आया। ये वेरिएंट एयर तो है और थोड़ा सीम हिट होता है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट होती है। तो आई होप कि रिजवान थोड़ा सा, क्योंकि दिख रहा है कि शायद नाखून पे हल्का सा जो क्लिप दिखाई थी इन्होंने क्लोज किया था तो उस टाइम नाखून पे शायद ब्लड टाइप दिख रहा था ऐसा। अब हो सकता है रिजवान का यहाँ पर खड़े होना जरूरी है, अगर वो के जाते हैं तो टीम के सीनियर प्लेयर हैं, फिर इन पर डिपेंड पाकिस्तान करता है। ऊपर से सेट हो चुके इस तरह की कंडीशन में 5-6 ओवर आपने खेलनी है, आप सेट हो गए और खास तो नई बॉल को आपने सी ऑफ किया है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब इनको चाहिए स्ट्राइक रोटेट करें, जो ये करते हैं इनके मतलब का है ये गेम, और इनको चाहिए स्ट्राइक रोटेट करें, कोशिश करें। उस्मान को भी बोलें कि कोशिश करो डॉट बॉल कम हो, डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ता है। हाँ। अब देखिए जिस तरह की पिच है, वाइट बॉल दी अंपायर ने, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मिर्जा साहब, डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी डॉक्टर साहब जरा आवाज इनकी तेज कर दीजिएगा, ऑडियो इंजीनियर साहब। जी 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 डॉक्टर अशरफ अवान बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी बोलिए डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे। जी मिर्जा साहब बस यही कहना था कि आज अगर इन्होंने हरा दिया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और इनकी सारी खताएं मुआफ हो जाएंगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा खुरम, एग्री कर रहे हैं आपसे कि सारी खताएं माफ हो जाएंगी। इनको बहुत एहतियात से खेलना होगा, वो वैसे ही नहीं है इतनी बड़ी टीम 119 पे आउट हो गई। हाँ अभी एहतियात से तो खेल रहे हैं, एहतियात से खेलना होगा। जैसे बाबर ने अपनी शॉट के लिए से इनको बचा के खेलना होगा, रिजवान को खास तौर पे और आगे आने वालों को भी। लेकिन आप नहीं समझते, किस्मत भी आज पाकिस्तान पे मेहरबान है। पहले टॉस पाकिस्तान ने जीता, 119 पे आउट कर लिया, फिर उसके बाद रिजवान का 9 रन पर कैच छूटा, बाबर 8 रन पे, बाबर आजम का 9 रन पे छूटा, 1 विकेट गिरी है। तो आज लगता है किस्मत भी हमारे साथ है डॉक्टर साहब। जी जी मिर्जा साहब ये तो मैं देख रहा था, जैसे ही पाकिस्तान ने उनको आउट किया तो आज किस्मत हमारा साथ दे रही है। बस आगे किस्मत भी देती रहे और किस्मत बहादुरों का साथ देती है, आपको तो पता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलें देखते हैं मैच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ अवान थे। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। अब ये बहादुर हो गए, जब यूएसए से हारे थे तो उस वक्त डरपोक थे। इकबाल भाई आपको याद हो 3-4 दिन पहले मैंने ये कहा था कि देखें हम इनके खिलाफ नहीं है ना आप खिलाफ हैं, जो दिख रहा है हमने बताना है। हम यहाँ ऑनेस्ट हो गए, अपनी सीट को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो फायदा क्या है। दूसरी बात ये सर, मैंने ये बोला था ये मैच अगर पाकिस्तान जीतता है, इंडिया से जीतता है तो यही पाकिस्तान की जो पब्लिक है, जो पैशनेट कौम है, स्पोर्ट्स लवर कौम है, ये बोलेगी बस जीत गए हम, सब माफ है। हाँ। सब माफी है, सारी खताएं माफ हो जाएगी। अब बात ये नहीं कि हम इन्हें बोल रहे हैं कि सूली पे चढ़ा। अच्छी क्रिकेट खेल लो, आज जीत रहे हो। आप कह रहे जो सिलेक्ट करेंगे वो 11 भी आज बेहतर है, आज भी पूरी 100% 11 नहीं, आज भी अबरार की जगह थी। मैं आज स्टिल अपनी बात पे जगह खेलता हूँ, आप शादाब की जगह खिलाए ना, 5 बॉलों से खेले, इफ्तिखार से फिर बॉलिंग करा लें आप जैसे। वो अब करानी पड़ रही है ना, करानी तो पड़ रही है। शादाब से एक ओवर भी नहीं कराया तो इसका मतलब शादाब मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और अभी क्लिप आई थी शादाब, अगला शायद शादाब ही आएंगे, पैट किए बैठे हैं वो, अगला नंबर शादाब का ये मुझे लगा। और प्रमोशन हो गई उनकी, पिछले मैच में उन्होंने 43 किए थे। आई होप के वो आज और उम्मीद है कि आज उनकी बैटिंग ही ना आए, और अगर आ जाए तो वो पाकिस्तान के फखर जमान कहाँ जाएंगे। ये गलत कर रहे हैं ना, एक बंदा 4 नंबर पे सेट हो गया, पहली बात तो वो ओपनर था, अब सेट हो गया है उसकी एक आध देखें इस तरह का फ्लैशी खेलने वाला वो आउट भी होगा। आपको पिछले 3 सीरीजों में वही रन कर रहा था और कौन कर रहा था। वर्ल्ड कप में अगर एक मैच में वो रैम शॉट खेलते हुए आउट हो गया। देखें इस तरह की क्रिकेट में होता है, और जहाँ आप बोलेंगे लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं तो बंदा तो और थोड़ा सा बोलते हैं कि ना कि इस तरह का प्लेयर इफेक्टिव होता है। तो आप उसको अगर 4 नंबर से हटा रहे हैं तो ज्यादती आप और उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ना क्या वो आता है। आई होप, क्योंकि दो हमें क्लिप में शादाब भी बैट किए हुए देखे, दोनों क्लिप आई, दोनों वो भी बैठ, अगर वो भी बैठे हैं तो अच्छी चीज है। फखर का 4 नंबर सेट है, ये देखे ना, ये डॉट बॉल जो है ना ये प्रेशर क्रिएट करती है। उस्मान साहब जो है वो पहले डॉट बॉल्स नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो है उसके ऊपर भी प्रेशर आता है, अगर वो सही खेल रहा हो तो वो भी प्रेशराइज होता है प्लेयर। तो ये पिंडी स्टेडियम की विकेट तो नहीं है ना सर? ये इकबाल भाई मुश्किल है और आज बहुत अच्छा खेल रही है, कम से कम दीगर मैचेस के मुकाबले जो पिछले मैचेस गुजरे हैं उसके मुकाबले में आज बहुत अच्छा विकेट का बिहेवियर है, सीम हो रहा है, मगर वो जो ऑकवर्ड सा बाउंस बिल्कुल आगे का बॉल मुंह पे, वो चीज नहीं हो रही है।